नवरात्रि स्टार्ट हो गई है। 9 दिन व्रत रहने वाले लोगों के लिए बहुत ही टफ़ रहता है। उसमें क्या है, उनको लगता है क्या खाऊं जिससे पूरे दिन एनर्जेटिक रहूं, तो उसके लिए ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट है। बहुत ही एनर्जी बना के रखेगी पूरे दिन और बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इसके लिए एक आपको कोई भी पैन लेना है, कढ़ाई लेनी है, उसमें आधा कटोरी जितना पीनट्स को बिना घी तेल के ऐसे ही सेक लेना है, और तब तक सेकना है जब तक ये इनमें चटकने की आवाज़ ना आने लगे या फिर इनका छिलका ना निकलने लगे। तब तक इनको अच्छे से ड्राई रोस्ट करना है। देख सकते हैं आप, बहुत अच्छे से ये सेक गई है, चटक भी गई है, स्प्लिट स्प्लिट आपको कुछ देख भी रहे होंगे, तो ये बहुत अच्छे से हो गया है। अब इसको थोड़ी देर ठंडा करना है, तो इसके लिए मैं प्लेट में इसको निकाल कर पंखे के नीचे रखूँगी जिससे ये जल्दी ठंडा हो जाएगा। और ठंडा करने के बाद इसके छिलके को आपको निकाल देना है, जितना निकल जाए उतना निकाल देना है, ईजिली जितना निकल जाए। आपको ये नहीं है कि एक एक दाने निकालना है। अगर यहाँ पर आपके पास रोस्टेड पीनट्स पहले से हैं तो आप उसको भी ले सकते हैं। मैंने रफली इसके छिलकों को निकाला है और ग्राइंडिंग जार में डाल के दरदरा इसको पीस लेंगे। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, दरदरा करना है। अभी मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, पीनट्स के चंक्स भी हैं और ये मोटा मोटा ग्राइंड भी हुआ है। इसी तरह का आपको दरदरा कर लेना है। उसके बाद चलते हैं गैस की तरफ। तो एक कढ़ाई ले लेते हैं, उसमें डालते हैं 1 चम्मच जितना घी। पहले आपको 1 चम्मच ही डालना है, अगर ज़रूरत लगेगी तो आप 1 चम्मच और ऐड करेंगे बाद में वो भी। तो जैसे ही घी गर्म होता है हम इसमें डालते हैं 1/2 छोटा चम्मच जितना जीरा, और डालते हैं 2 ग्रीन चिली चॉप की हुई और 1 छोटा सा टुकड़ा जिंजर का ग्रेट करके लेंगे। इसको बस 30 सेकेंड्स हम ऐसे फ्राई कर भूनेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे आलू। आलू हमने बॉईल लिए हैं, इनको मोटे मोटे पीसेस में कट करके डाला है, जिससे क्या है हम भूनेंगे तो कुछ चिपकते भी हैं, कुछ टूटते भी हैं, तो पीस बहुत छोटा नहीं होगा। तो इसको अच्छे से भूनना है आपको, थोड़ा सा कलर चेंज होने तक। तो इसके लिए आप कंटिन्यूअसली चला तो सकते नहीं है, रुक रुक के 2 मिनट छोड़ दीजिए, फिर चलाइए, फिर 2 मिनट छोड़ दीजिए, फिर चलाइए, इस तरह से आप भून सकते हैं। तो यहाँ पर अभी मुझे घी कम लगा तो इसलिए मैंने 1 चम्मच घी और ऐड किया है, और इसको अच्छे से हम इसको भूनेंगे। अगर आपके पास नॉन स्टिक कढ़ाई हो तो आप वो ले लीजिए, उसमें क्या है आलू चिपकते नहीं है और अच्छे से प्रॉपरली भून जाते हैं, कलर अच्छा आ जाता है उसमें। तो ऐसे भून लिया है, जब आपको लगने लगे कि हाँ मुझे इतना ही भुना चाहिए है आलू, तब आप उसमें पीनट का पाउडर ऐड कीजिए। अदरवाइज़ आप उसको तब तक भूनिए जब तक आपको मनपसंद आपका कलर नहीं आ जाता, क्योंकि पीनट डलने के बाद ज़्यादा देर भुनाई नहीं होती है, क्योंकि पीनट जलने लगता है इसलिए। तो आपको पीनट डालने के बाद भी थोड़ी देर तो भूनना है, क्योंकि आलू में पीनट अच्छे से चिपक जाए और कलर साथ में अच्छा आ जाए, आलू का भी और पीनट का भी, इसलिए। तो जैसे ही आपको लगे कि पीनट भी आलू के साथ अच्छे से भुन गया है, तो आपको डालना है इसमें छोटा सा टमाटर, छोटा लिया था वो भी 1/2 लिया था। डालने के बाद इसको कवर कर दिया है आलू से ही। अब इसमें मसाले में बस केवल और केवल हम डालेंगे काली मिर्च का पाउडर, वो भी 1/4 टीस्पून जितना, और व्रत वाला सॉल्ट डाल लीजिए। अगर आप सॉल्ट नहीं खाते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। और डालने के बाद बस इसको अच्छे से मिक्स करना है, अच्छे से मिक्स करना है, ताकि ये सारी चीज़ें अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएं। बस मिक्स करने के बाद ये हमारी चाट बनकर तैयार है। तो हम इसमें डालेंगे धनिया, और ये व्रत वाले आलू बहुत ही डिलीशियस लगते हैं और बन भी जाते हैं जल्दी से। तो तैयार हैं ये व्रत वाले आलू, इनको सर्व करते हैं। इनको आप चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, दही के साथ भी, या रायते के साथ भी इंजॉय किया जा सकता है। ये देखिए, बहुत ही डिलीशियस, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत ही अच्छे दिख भी रहे हैं, बहुत अच्छे बनकर तैयार हो गए हैं। आप इसको व्रत में अदरवाइज ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं, बहुत डिलीशियस हैं। इंजॉय कीजिए और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कैसी लगी ये रेसिपी। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।